हाय गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो विकासोल कैप्सूल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि फ्राइजर के द्वारा बनाई जाती है। एंड 20 कैप्सूल का ये स्ट्रिप रहता है और 38 इसका MRP रहता है गाइस। तो ये कैप्सूल बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल है, सबको पता ही है, और ये आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो। क्योंकि ये एक मल्टी विटामिन फॉर्मुलेशन से इसके अंदर डाले गए हैं विटामिन बी, जिसके अंदर विटामिन बी में बहुत सारे डाले गए, विटामिन B12, B1, B2, B6, B3 एंड फॉलिक एसिड, एंड विटामिन सी भी डाले गए और कैल्शियम पेंटोनेट डाला गया है। इस कैप्सूल के बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्या हेल्प करती है, आपकी बॉडी में क्या करेगी, वो सब कुछ बताऊंगा। तो आपको वीडियो को अंत तक बने रहने का है। तो गाइस, इसके अंदर विटामिन बी है, जो कि आपको बता दिया ऊपर कि विटामिन बी क्या क्या डाले गए, जो कि क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट करता है इन बॉडी। जो भी आप फूड अपना इंटेक करते हो तो उसको पूरा मेटाबॉलाइज करता है, मतलब उसको डिवाइड करता है और तोड़ता है अपने सभी बॉडी के पार्ट में, उसका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करता है। एंड इसके अंदर विटामिन सी भी डाला गया है, जो कि हेल्प करता है टिश्यू को रिपेयर करने में और बॉडी बिल्डिंग करने में। तो विटामिन सी आपकी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखेगी और पूरा हेल्प करेगी इसके अंदर। एंड इसके अंदर कैल्शियम पेंटोनेट डाला गया है, जो कि हेल्प करता है किसको, प्रिवेंशन करता है ब्लड विजल्स को, जो कि ब्लड की नसें होती है, जो अपने ब्लड सप्लाई का विजल्स होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। तथा यह गया है सप्लीमेंट के लिए, विटामिन सप्लीमेंट के लिए, जो कि हेल्प करता है टिश्यू रिपोर में और टंग्स के अंदर भी हेल्प करता है। तो मेनली इसका हेल्प होता है माउथ अल्सर के लिए, मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं जब आप बोल नहीं सकते, तो उस टाइम ये हेल्प होता है, जिसको बोलते हैं माउथ अल्सर। माउथ अल्सर मतलब फेस या टंग्स या अंदर के माउथ के अंदर जो भी छाले हो जाते हैं उसको बोलते हैं माउथ अल्सर। तो उसमें ये बहुत हेल्प करती है। आपको 3 दिन तक लेना है, दिन के 3 कैप्सूल लेते हैं तो 3-3 में आपको रिलीफ मिल जाएगा। तथा ये विकासोल कैप्सूल हेल्थ किया यूज किया जाता है हेल्दी नील्स के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए, और विटामिन डेफिशिएंसी में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तीनों में काम करती है, नील्स के लिए, स्किन के लिए और हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है तब भी ये यूज किया जा सकता है। एंड विकासोल कैप्सूल आप डेली ले सकते हो, ये बॉडी को बिल्डर करने के लिए होता है एंड आपके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए होता है। तथा ये इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी एंड विटामिन सी डाला गया है, जो कि बूस्टिंग करता है इम्यून सिस्टम को तथा हेल्प करता है बॉडी है बॉडी के अंदर वेरियस इन्फेक्शन के लिए। ये आप खाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये वेट गेन करता है, तो ये वेट गेन नहीं करता, ये हेल्प नहीं करता वेट गेन के लिए, ये केवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए होता है। एंड इनकेस आप ये डोज मिस कर देते हो तो आपको ये डबल डोज कभी नहीं लेने का, आप मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो एज इज। तो ये माउथ अल्सर के लिए यूज होता है मेनली। तो माउथ अल्सर छोटा रहता है पर वो पेनफुल रहता है, तो उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है तथा आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। तो ये इसके अंदर सब न्यूट्रिशन और विटामिन डाले गए है, तो आप यूज कर सकते हो, ये सब हेल्पफुल करेगा। मैं साइड में कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ कि किस किस चीज में हेल्प होगा। तो आज साइड में देख रहे हो कि माउथ अल्सर कैसे होता है, तो उसमें भी हेल्प होता है, टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मैं पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।